नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूँ आप सबका इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं 2019 से लेकर 2021 तक चलने वाली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के बारे में, जिसमें आपको मिलेंगे इस टूर्नामेंट के हर ज़रूरी सवालों के जवाब। बस आप देखते रहिए इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे अंत तक। शुरू शुरू में क्रिकेट में सिर्फ एक ही फॉर्मेट हुआ करता था और वो था टेस्ट क्रिकेट, जिसमें टाइमलेस टेस्ट मैच हुआ करते थे जो तब तक खेले जाते थे जब तक मैच का रिजल्ट ना आए। कभी कभी तो मैच 10, 15 या उससे भी ज़्यादा दिनों तक चलते रहते थे। बाद में टेस्ट मैच की टाइम लिमिट सेट कर दी गई और उसमें भी बदलाव किया गया और लिमिटेड ओवर के मैचेस होने लगे, जिसका रिजल्ट सिर्फ एक ही दिन में आ जाता था। इसके लिए इसका नाम ODI यानी वन डे इंटरनेशनल्स रखा गया। इस प्रकार क्रिकेट मैच एक नए फॉर्मेट में खेला जाने लगा और इस फॉर्मेट को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह भी देखने को मिला। फिर टेस्ट मैच की तुलना में ODI मैचेस देखने ज़्यादा तादाद में लोग आने लगे, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में हार जीत का फैसला हो जाता था। ODI के आते ही लोगों को टेस्ट क्रिकेट देखना थोड़ा बोरिंग सा लगने लगा और इस प्रकार टेस्ट के मुकाबले ODI क्रिकेट का पॉपुलर यानी लोकप्रिय फॉर्मेट बन गया। इसलिए सभी टीमें टेस्ट मैचेस से ज़्यादा वनडे मैचेस खेलने लगी और इस प्रकार 19वीं सदी में ODI क्रिकेट का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला फॉर्मेट बन गया। स्टेडियम हाउसफुल होने लगे, सबको लगा एक दिवसीय मुकाबला ही क्रिकेट देखने का सबसे बेहतरीन फॉर्मेट है। लेकिन चार्ली चैपलिन ने उसी 19वीं सदी में कहा था कि नथिंग इज परमानेंट, यानी इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। और फिर आया 2020 या कहे T20 मैचेस, क्रिकेट का एक तूफानी और नया यानी कि तीसरा फॉर्मेट, जिसमें अब एक पूरे दिन तक नहीं केवल 180 मिनट यानी कि सिर्फ 3 घंटे में हार जीत का फैसला हो जाता था। लोगों में क्रिकेट के इस तेज फॉर्मेट को देखने का इतना क्रेज था कि घरेलू मैचेस में भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउड होने लगा और देखते ही देखते वो T20 ने ODI को पीछे छोड़ दिया और क्रिकेट का मोस्ट पॉपुलर फॉर्मेट बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, यानी हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। क्रिकेट में भी इस तेज फॉर्मेट को देखने ज्यादा तादाद में लोग तो आते थे, लेकिन इस कारण सबसे पुराने फॉर्मेट यानी टेस्ट क्रिकेट को भारी नुकसान हुआ और T20 के मुकाबले टेस्ट मैचेस को अब सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही देखते थे, जिसकी वजह से टेस्ट क्रिकेट का भविष्य खतरे में था। इसलिए टेस्ट क्रिकेट को वापस से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ICC ने इस फॉर्मेट में बदलाव करना शुरू किया, जिसमें 4-डे टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट या कहे डे नाइट टेस्ट और अब T20 और ODI के जैसे ICC टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप यानी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप करा रही है। लोगों को वापस टेस्ट क्रिकेट की ओर आकर्षित करने के लिए टेस्ट चैंपियनशिप का प्रस्ताव सबसे पहले न्यूजीलैंड के भूतपूर्व कप्तान मार्टिन क्रो ने 2009 में ही दे दिया था और तब ICC ने भी इसे सहमत होते हुए 2010 में यह अनाउंस कर दिया था कि 2013 में चैंपियन ट्रॉफी की जगह टेस्ट चैंपियनशिप खेली जाएगी। लेकिन नॉकआउट स्टेजेस में अगर मैच ड्रॉ होते हैं तो कौन सी टीम आगे जाएगी, इस बात को लेकर अभी संदेह बना हुआ था। साथ ही स्पॉन्सर और ब्रॉडकास्टर ये नहीं चाहते थे कि चैंपियन ट्रॉफी की जगह टेस्ट चैंपियनशिप हो, इस वजह से अपने कमिटमेंट के चलते ICC ने 2011 में अनाउंस करते हुए टेस्ट चैंपियनशिप को 2017 तक स्थगित कर दिया। हालांकि इस निर्णय को लेकर बाद में ICC को काफी खरी खोटी भी सुनने को मिली। फिर अप्रैल 2012 में ICC ने कहा कि 2013 में चैंपियन ट्रॉफी आखिरी बार खेली जाएगी और इसके बाद क्रिकेट के प्रत्येक फॉर्मेट में सिर्फ एक ही ट्रॉफी होगी। और 31 दिसंबर 2016 को टेस्ट रैंकिंग में रही टॉप 4 टीमें टेस्ट चैंपियनशिप के प्लेऑफ जून 2017 में खेलेगी और का फाइनल मैच ड्रॉ ना हो इसलिए रिजल्ट आने तक यानी कि ऐतिहासिक टाइमलेस टेस्ट मैच के फॉर्मेट में इंग्लैंड में खेला जाना था। सब कुछ तय हो चुका था, लेकिन फिर वापस से ICC ने जनवरी 2014 में टेस्ट चैंपियनशिप को कैंसिल करते हुए 2017 में एक बार और चैंपियन ट्रॉफी कराने का निर्णय लिया। फिर अक्टूबर 2017 में ICC ने यह सुनिश्चित किया कि 1 अगस्त 2019 से शुरू हो रही एशियन सीरीज के साथ ही ICC टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होगी, जो टेस्ट रैंकिंग में टॉप 9 टीमों के बीच 2 साल तक खेली जाएगी और लीग स्टेज के बाद शीर्ष पर रही 2 टीमों के बीच क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान में 10 जून 2021 को फाइनल मुकाबला होगा और इसके तुरंत बाद ही जुलाई 2021 से लेकर जून 2023 तक दूसरी टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार आखिरकार 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई। ICC टेस्ट रैंकिंग की टॉप 9 टीमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेल रही है
जिसमें इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश शामिल है। और इसी के साथ ही वनडे और T20 के जैसे टेस्ट मैच में भी प्लेयरों की जर्सी के पीछे नाम और नंबर्स लिखे नजर आएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में प्रत्येक टीम कुल मिला के 6 सीरीज खेलेगी, जिसमें 3 होम यानी कि घरेलू और 3 अवे यानी विदेशी जमीन पर खेली जाएगी। इसमें प्रत्येक सीरीज कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 5 मैचों की हो सकती है, जिससे सभी टीमें कम ज्यादा मैचेस तो जरूर खेलेगी लेकिन एक समान 6 सीरीज खेलेगी, जिसमें प्रत्येक टेस्ट दोनों देश की सहमति से डे या फिर डे नाइट किसी भी स्वरूप 5 दिन तक खेला जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कुल मिला के 27 सीरीज में तकरीबन 71 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, जिसके बाद पॉइंट टेबल पर शीर्ष पर रही 2 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला होगा। अब बात करते हैं सबसे जरूरी और निर्णायक पॉइंट टेबल के बारे में। तो प्रत्येक सीरीज के 120 अंक मिलेंगे, फिर चाहे सीरीज 2, 3, 4 या फिर 5 मैच की ही क्यों ना हो। और पॉइंट सीरीज जीतने पर नहीं बल्कि मैचेस जीतने के आधार पर मिलेंगे। सबसे ज्यादा 2 मैच की सीरीज में 50%, तो वही सबसे कम 5 मैच की सीरीज में 20% पॉइंट मिलेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर किसी भी टीम की 2 मैचेस की सीरीज होती है तो प्रत्येक मैच जीतने पर 60 पॉइंट, वही मैच टाई होने पर दोनों ही टीम को 30-30 पॉइंट और मैच ड्रॉ होने पर दोनों ही टीम को 20-20 पॉइंट मिलेंगे। इसी प्रकार हर सीरीज में प्रत्येक मैच के लिए कितने पॉइंट्स मिलेंगे वो आप इस टेबल में देख सकते हैं। टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट सिर्फ मिलेंगे ही नहीं बल्कि पॉइंट काटे भी जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, स्लो ओवर रेट के लिए मैच के प्रत्येक कम ओवर पर टीम के 2 बहुमूल्य अंक काटे जाएंगे। अगर 2 टीम के पॉइंट सेम हो जाते हैं तो फिर जो टीम ज्यादा सीरीज जीती हुई होगी वो पॉइंट टेबल में ऊपर मानी जाएगी। लेकिन अगर सीरीज गिनने के बाद भी दोनों ही टीम समान रहती है तो जिस टीम का RPW रेशियो ज्यादा होगा वो टीम पॉइंट टेबल के ऊपर रहेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर RPW है क्या? तो इसका फुल फॉर्म है रन प्रति विकेट रेशियो। तो प्रति रन जितने विकेट खोए हो उसे प्रति विकेट जितने रन दिए हो उसे डिवाइड यानी विभाजित करने के बाद निकाला जाता है। पॉइंट टेबल समझने के बाद अब बड़ा सवाल यह बचता है कि 2 साल की मेहनत के बाद फाइनल खेल रही दोनों ही टीम के बीच अगर मैच ड्रॉ हो जाता है तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर बारिश या फिर खराब रोशनी और दूसरे किसी भी वजह से दिन का खेल नहीं हो पाया तो ICC ने रिजल्ट लाने के लिए रिजर्व डे भी रखा हुआ है। लेकिन अगर फिर भी मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाता है तो फाइनल खेल रही दोनों ही टीम को जॉइंट विजेता घोषित कर दिया जाएगा। हालांकि इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू तो हो गई लेकिन इसमें भी कई कमियां सामने आई है, जिसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि सभी टीमें एक दूसरे के साथ नहीं खेलेगी बल्कि जैसे द्विपक्षीय श्रृंखला में होता है वैसे ही बोर्ड की आपसी सहमति से सभी टीमें दूसरी 6 टीमों के साथ सीरीज खेलेगी, जिसे किसी के लिए तो आसान लेकिन वही किसी के लिए इस चैंपियनशिप को मुश्किल माना जा रहा है। उदाहरण के तौर पर न्यूजीलैंड की टीम जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दोनों ही टीम जो अंक तालिका में ऊपरी नंबर पर है उसके साथ एक भी सीरीज नहीं खेलेगी, वही ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका और वेस्ट इंडीज जो अंक तालिका में निचले क्रम पर है उसके साथ सीरीज नहीं खेलेगी। केवल सीरीज ही नहीं अगर मैचेस पर भी नजर डाली जाए तो इंडिया की टीम 10 मैच घर पर और 8 मैच बाहर खेलने वाली है, तो वही वेस्ट इंडीज की टीम को सिर्फ 6 मैच घर पर और 9 मैच विदेशी जमीन पर खेलने होंगे। और जहां इंग्लैंड की टीम इस चैंपियनशिप में 22 टेस्ट मैच खेलेगी तो वही पाकिस्तान की टीम सिर्फ 13 ही टेस्ट मैच खेलेगी। तो क्या ये है आपका इक्वालिटी? जी हाँ मित्रों, फिलहाल यही सवाल ICC से हर कोई पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका क्या मानना है इस टेस्ट चैंपियनशिप के इस प्रकार के शेड्यूल के बारे में बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में। साथ में लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाली बात भी बिल्कुल मत भूलना। और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।